पूरे भारत में स्वाइन फ्लू के वायरस फैले हुए हैं। स्वाइन फ्लू से लोगों में दहशत है। सूबे की राजधानी लखनऊ में अब तक स्वाइन फ्लू से मरने वालों की संख्या 62 हो चुकी है। कानपुर में भी स्वाइन फ्लू से अब तक 3 लोग काल के गाल में समा चुके हैं। कानपुर देहात के चिकित्सा विभाग ने स्वाइन फ्लू से निपटने के इंतजाम किए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया है कि जनपद की सभी सीएचसी पीएचसी डॉक्टरों को निर्देश दिए जा रहे हैं, अगर कोई भी स्वाइन फ्लू का रोगी नजर में आता है तो तत्काल प्रभाव से उसकी जांच होगी और उस मरीज का ब्लड सैंपल भी लिया जाएगा। वहीं जनपद में कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। जिला अस्पताल में भी स्वाइन फ्लू के अलग अलग वार्ड बने हैं। फिलहाल कानपुर देहात में अभी तक एक भी मरीज स्वाइन फ्लू का नजर नहीं आया, लेकिन अस्पतालों में पूरी तरह से एहतियात बरती गई है और इंतजाम किए गए हैं। हमने अपने जनपद में एक तो सारे हमारे पीएससी सीएससी सबको अलर्ट कर दिया है कि वो स्पेशली इस तरीके की बीमार का कोई और आता है, जैसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंजा है, खांसी आ रही, निमोनिया है, डायरिया हो रहा है, किसी दवा से उसको आराम नहीं मिल रहा है, तो स्वाइन फ्लू हो सकता है, जिसकी तत्काल जांच की व्यवस्था मैंने विशेष विभाग द्वारा की हुई है। ऐसा केस मिलते ही उसके ब्लड सैंपल लेके और सीधा जीएसबी मेडिकल कॉलेज कानपुर उसको भेजा जाएगा। हमने अपने जनपद में एक तो सारे हमारे पीएससी सीएससी सबको अलर्ट कर दिया है कि वो स्पेशली इस तरीके की बीमार का कोई और आता है, जैसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंजा है, खांसी आ रही, निमोनिया है, डायरिया हो रहा है, किसी दवा से उसको आराम नहीं मिल रहा है, तो स्वाइन फ्लू हो सकता है, जिसकी तत्काल जांच की व्यवस्था मैंने विशेष विभाग द्वारा की हुई है। ऐसा केस मिलते ही उसके ब्लड सैंपल लेके और सीधा जीएसबी मेडिकल कॉलेज कानपुर उसको भेजा जाएगा। हमने अपने जनपद में